आप देख रहे हैं SG24, मैं अहमद कुरैशी। पुणे के एक ज्योतिषाचार्य अतुल छाजड़ कई महीनों से हिंदू विवाह कानून और अंधश्रद्धा निर्मूलन पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोर्ट को अर्जी देकर दावा किया था कि ज्योतिष के माध्यम से दाभोलकर और पानसरे इनके हत्यारों को पकड़ सकते हैं और इसके लिए माननीय न्यायालय पुलिस को उनकी मदद लेने के आदेश दे, इस तरह का पत्र भी उन्होंने न्यायालय को दिया था, लेकिन अभी तक यह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। जिसके बाद उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन पर भी सवाल उठाए हैं और कई दावे किए हैं, लेकिन उनके दावे को खारिज करने के लिए कोई आगे नहीं आया। अब उन्होंने हिंदू विवाह कानून को महिलाओं पर अन्याय होने वाला कानून बताया और उसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह कानून के तहत पुरुषों को तो न्याय नहीं मिलता, लेकिन जिन महिलाओं के लिए यह कानून बनाया गया है उनको भी न्याय नहीं मिलता, बल्कि अन्याय ज्यादा होने लगता है। जिन महिलाओं के लिए यह कानून बनाया गया है उस कानून में महिलाओं को न्याय दिलाने की हिम्मत ही नहीं है। ऐसे देशद्रोही और दहशतवादी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पूना के ज्योतिषाचार्य अतुल छाजड़ ने कोर्ट के सामने अनशन करने की बात कही है और इस सिलसिले में एक पत्रकार परिषद भी संबोधित की है। आइए देखते हैं अतुल छाजड़ ने पत्रकार परिषद में क्या कहा। और ये जो है पुलिस चौकी है वहां पर इन्वॉल्व का लेटर दिया हुआ है और शिवाजी का फैमिली कोर्ट वहां पर भी इन्वॉल्व का लेटर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट यही है कि आईएनए का मिसयूज हो रहा है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट को करीबन से करीबन 24 लेटर भेज चुके हैं। अचीवमेंट ऐसा है कि 498 कायदा लूज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। मैं ऐसी बात नहीं कर सकता हमने कुछ एक्शन नहीं लिया है, बट सिर्फ बोलते ना कि मरम्मत हो रही है, रास्ता नहीं बन रहा है। उससे केसेस कम हो गए, लेकिन केसेस कम इतने हद तक नहीं हुए कि जितने हद तक होने चाहिए। यानी अगर 40,000 केसेस पेंडिंग है और अगर 5 से 10 साल एक एक केस 20% केस पेंडिंग है तो कोर्ट में कितने वकील को बचा जाता है और कितना हैरेसमेंट होता है, ये जिसका केस चालू उसको ही पता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है कि ऐसा कायदा जिसको ना महिला को यूज है ना पुरुष को यूज है, ऐसा कायदा ही बंद कर देना चाहिए। और जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि कायदे का मिसयूज हो रहा है, कायदे का कुछ दुरुपयोग हो रहा है, तो कायदा बंद कर दो, मतलब क्या कायदे का।